I'm so sorry. आप ठीक है? वो मैं क्रॉस कर रहा था तो। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? मुझे देखना चाहिए था। आपने कुछ पिया भी नहीं, कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं टी लवर, तो चाय पीता हूँ। अगर आपके हाथ की चाय मिल जाए तो। आपको चाय पीनी है? मैं किसी से बोलकर अभी बनवा दूँ। किसी से क्यों, स्पेशल गेस्ट हूँ आपका, तो आपके हाथ की चाय होनी चाहिए। स्पेशल गेस्ट? चलें फिलहाल स्पेशल टी को छोड़ दें, आप अपने हाथ की चाय पिला दें। आप वो उस दिन हम आपकी तरफ आए थे ना, तो बहुत मजे की चाय बनाई थी आपने। मैं दीवाना हो गया हूँ आपके हाथ की चाय का। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुने जी, बस चाय। उजाला, चाय का पानी उबल के आधा रह गया है। क्या सोच रही थी तुम? किन ख्यालों में गुम? और ये चाय बनाने को किसने कहा है? कैसी हैं आप? ओह अच्छा, तो चाय का ऑर्डर आपने दिया है। जी वो
उस दिन इनके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इनके हाथ की चाय दोबारा पी ली जाए। उजाला, इनके लिए अच्छी सी चाय बनाना, ये हमारे स्पेशल मेहमान हैं, ठीक है? मैं जाके बाहर अरेंजमेंट देखती हूँ। आप प्लीज बाहर जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऐसे तो चाय ठंडी हो जाएगी, एक काम करता हूँ मैं यहीं वेट कर लेता हूँ, आप चाय बना दो। आपकी चाय। थैंक यू। अब शायद चाय में चीनी डालना भूल गई है। हाँ शायद भूल गई, लाएं दें। कितने चम्मच चीनी लेते हैं? मूड पे डिपेंड करता। मूड पर? जी वैसे तो मैं एक चम्मच चीनी लेता हूँ, लेकिन अगर ज्यादा खुश हो तो 5 चम्मच चीनी भी ले लेता हूँ। 5 चम्मच? हाँ 5 चम्मच, मैंने कहा है ना जब ज्यादा खुश होता हूँ तो 5 चम्मच चीनी भी, आई डोंट माइंड। वैसे आप भी खुश रहा करें, हर वक्त उदास रहती हैं आप, इसकी खास वजह है या किसी से कोई झगड़ा हुआ आपको? खुश रहने के लिए कोई वजह भी होनी चाहिए। खुश रहने के लिए कोई वजह तो नहीं चाहिए होती, कभी कभार इंसान बिना वजह भी खुश रह सकता है, दूसरे को खुश रखने के लिए भी इंसान खुश रह सकता है, मुस्कुराहट भी एक सत्य जा रही है। आपकी चाय। ऐसे चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आप, कोई स्पेशल रेसिपी है या वैसे ही? नहीं। फिर ऐसी क्या वजह है कि आपके हाथ की चाय पीने के बाद किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती? शुक्रिया अल्लाह का, कल का फंक्शन तो खैरियत से निपट गया। शानदार इंतजामात थे अम्मा, किरण के ससुराल वाले बहुत खुश होके गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबके सब बहुत खुश गए थे। शुक्र है मेरी बेटी के ससुराल में नाक तो ऊंची हो गई। सही बात है, तुम्हारी भी तो ख्वाहिश थी ना कि बेटी को बड़े घर में ब्याह दो। चलो अच्छी बात है, सत हो गई, बड़े घर चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ कब तक रहेंगे? आखिर अपने घर जाएंगे भी या नहीं? अम्मा जी जाहिर है इस घर में ज्यादा दिन तो हम रह नहीं सकते, ये घर तो छोड़ना ही होगा, ये तो तय है, लेकिन उस घर में मैं नहीं जाऊंगी, किसी अच्छे इलाके में कोई बेहतर सा घर देख के वहां रहूंगी मैं। अच्छा, और हर महीने किराया कौन देगा? अरे बहुत ही बेवकूफ हो तुम माँ बेटी, इतने सारे पैसे थे, 1.5 करोड़ रुपया कोई कम रकम थोड़ी होती है। तुम माँ बेटी ने शादी की फजूल रस्मों पे लुटा दिया, कुछ बेहतर काम कर लेते, कोई कारोबार कर लेते, कोई छोटा मोटा घर खरीद लेते, मगर पता नहीं क्या। अम्मा जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? रखे हुए मैंने संभाल के पैसे, पर वैसे भी जहेज में जरबाब ने गाड़ी लेने से मना कर दिया, वो 20 लाख भी तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। हम मैं बख्तियार को कारोबार करा दूंगी कोई ना कोई। कारोबार तो आजकल चल ही नहीं रहा अम्मा, मैं सोच रहा हूँ किसी शॉपिंग मॉल में ना एक दुकान ले लूं, दुकान अपनी जगह चलती रहेगी, किराया आता रहेगा जेब में, साथ साथ में नौकरी भी करता रहूंगा, दोनों तरफ से मुनाफा। हाँ आइडिया तो अच्छा है बख्तियार, वैसे सरमाया कितना लगेगा दुकान पे? 50-60 लाख में अच्छी सी दुकान आ जाएगी, और हर महीने 1-1.25 लाख किराया भी आता रहेगा। अरे मेरे पास 50 लाख तो नहीं है बाबा, कहाँ से दूंगी? अम्मा तुम बात करो ना किरण से। क्या हो गया तुझे, दिमाग ठीक है तेरा? बहन से पैसे मांगूंगी तेरे लिए, शर्म नहीं आएगी बहन से पैसे मांगते हुए? उसने खुद ही तो कहा था जरबाब से शादी के बाद हमें कारोबार सेट कर देगी, इतना कुछ दाव पे लगाया हमने उसके लिए, कुछ तो मिलना चाहिए हमें, हक है हमारा,
पर सारा हक महर, 50 तोला सोना कहाँ लेके जाएगी, हमें भी तो दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह बख्तियार, तेरी सोच पर मुझे शर्मिंदगी हो रही है लेकिन तुझे नहीं। शादीशुदा बहन की पैसों पे नजर है तेरी। बेग़ैरत कहीं का। अपनी जबान से फिर रही हो तुम अम्मा। तुमने कहा था एक बार किरण और जबाब की शादी हो जाए कारोबार सेट कर दूंगी तुम्हें। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि 50 लाख दूंगी तुझे। अम्मा जी समझाएं इसको। अरे मैं क्या समझाऊं, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है, हैं? किस किस को समझाऊं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि एक तरफ इज्जत दांव पे लगी है, तुम लोगों को कारोबार की सूझ रही है। अल्लाह ही हाफिज है भाई तुम लोगों का, क्या कह सकते हैं, बड़ों की बात थोड़ी सुनते हो। भाई कभी कोई मुंह से अच्छी बात नहीं निकालती अम्मा जी, और तू ऊद का ऊद सिर्फ कद लंबे पे जोर दिया हुआ है। कभी अकल से भी काम ले लिया कर। 50 लाख चाहिए, 50 थप्पड़ मारू तेरे मुंह पे। ऐसा क्या है उस लड़की में, क्यों ये मुझे दुनिया की हर लड़की से मुनफरिद और अलग लगती है? ऐसा क्या है इसमें जो मैं उसके सहज से निकल ही नहीं पाता? शायद उसकी सादगी और मासूमियत। नहीं, ये सब खूबियां तो और लड़कियों में भी होती है। सच तो ये है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। आई एम इन लव विद हिम। उजाला जी, वो तुमने कुछ दिन पहले जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ना, वहां से कोई रिस्पांस आया? रिस्पांस तो आया था, पैकेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्तों और अच्छी जॉब्स की क्यों किल्लत होती है। एक किरण को देख लो, ऐसी लड़कियों को तो छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिल जाता है, पहले प्राइज बॉन्ड और अब एक अच्छे घर में शादी करके राज कर रही है। ऐसी खुशनसीबी का क्या फायदा आपकी जो चंद हफ्तों या चंद महीनों की है? क्या मतलब तुम्हारा? आप नहीं जानती कितना बड़ा झूठ बोला है उसने। आपने कभी ये सोचा कि जब उसका झूठ खुलेगा, जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा? मुझे तो ये डर है कहीं सर बाप भाई गुस्से में उसे तलाक ही ना दे दें। किरण ने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी अपनी माँ की तरह एक शातिर दिमाग रखती है। तुमने देखा नहीं उसने हक महर में 2 करोड़ और बहुत सारा जेवर अपने नाम लिखवाया। बस मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे भी जल्दी से हाथ पीले कर दो, तुम भी किसी बड़े घर में जाकर राज करो। अच्छा, बड़े से घर में क्यों? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है बड़े घर में शादी करके जाना? जब किरण जैसी लड़की जा सकती है तो तुम क्यों नहीं? उससे ज्यादा प्यारी हो, नेक हो। तुम्हें याद है मिसेस फरहत, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे लगता है वो अपने देवर के लिए तुम्हें इंटरेस्टेड है। आपको पता ना वो बहुत अमीर लोग हैं, हमारा और उनका क्या मेल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किरण की शादी हुई है वैसे तुम्हारी भी कर देंगे। आप भी? आपने ये बात सोच भी कैसे ली? कम से कम मुझे आपसे तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म की बात करेंगे। आप जानती नहीं है मुझे, मैं कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कभी नहीं बनाऊंगी। और रही बात मेरी शादी की, तो जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपनी हैसियत अपनी पसंद देखकर शादी करूंगी।
आप प्लीज मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, जब होनी होगी हो जाएगी शादी। तो इस लड़की की समझ में नहीं आता, जान छुड़वाए इस अजाब से यहां कब तक पड़ी रहेगी। आज मॉल में मदर्स डे की इतनी अच्छी सेल लगी हुई है और इतनी वैरायटी आई हुई है, पता है मैं सोच रही थी मैं आपको कॉल करके बुला लूं, हम साथ जाके कुछ ले आए अम्मी के लिए। नवी, मैं बस अम्मी को विश करने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए, तुम किरण के साथ चली जाओ। वो तो आज सुबह से अपने मैके गई हुई है। अम्मी फिर चली गई, आप उसे रोकती नहीं है? बेटा जब जरबाब को कोई एतराज नहीं है तो मैं उसके बार बार मैके जाने पे उसे क्यों टोकूं? और वैसे भी वो मुझे बताकर गई है कि वो अपनी माँ को मदर्स डे की मुबारकबाद देने जा रही है, मेरे लिए भी एक गिफ्ट लेकर आई है। अच्छा दिखाए तो कैसा? अम्मी इतना एक्सपेंसिव जोड़ा। वैसे अम्मी किरण और उसके घर वाले ना बहुत ही शाफ़ है, लेकिन अम्मी इनके खानदान वाले कुछ अजीब से नहीं थे? शादी में भी अलग थलग से थे और सलामी भी इतनी थोड़ी थोड़ी सबने दी थी। भाभी के अम्मी ने 50,000 सलामी दी थी भाभी को, कितने जेवरात दिए, कितना कुछ तो दिया है, तो गाड़ी भी देना चाह रहे थे। बाबा और सरभाब भाई ने मना किया है ना उन्हें? बाबा इकलौती बेटी को हर कोई इतना देता है, और वैसे भी जो लोग इतना भर भर के देते हैं ना उनके दिमागों में एक अलग ही फिल्म चल रही होती है। कैसी फिल्म? यही अम्मी, लड़के को अलग करना चाहते हैं, बाकी सारे घर वाले जाए फाड़ में। क्या हो गया है आपी? किस तरह की खतरनाक बातें करती हैं आप? क्यों अम्मी को आप डरा रही हैं? मैं सही बात कर रही हूं आपी, प्लीज। अम्मी अम्मी भाई ऐसे नहीं है, प्लीज आप परेशान हैं, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इन मुलाजिमों को तो फारिग कर दो, इनकी अब जरूरत नहीं है, और रही गाड़ी की बात तो वो मैं खुद ही वापस भेज दूंगी। सुन वो तूने शॉप की डील की थी ना, उसका क्या बना? फाइनल होने वाली है, बस कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 25 लाख रुपए का और इंतजाम हो जाए तो काम हो जाएगा मेरा, कर दो ना। तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूंगी? किरण तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसी तुम्हारी जरबाब से शादी होगी तुम मेरी माली मदद करोगी और मेरे कारोबार में उससे उधार भी लेके दोगी। शर्म आनी चाहिए तुझे, बहन से कह रहे जाके शोहर से उधार मांगो। क्या कहूंगी मैं जरबाब से कि मेरे भाई के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो? से भी जरबाब को भी हमारी हैसियत के बारे में नहीं पता, मैं तो वो पता नहीं कैसे छुपाती फिर रही हूँ, वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी कुछ वक्त में, लेकिन अभी पक्का नहीं बोल रही हूँ। जिसको देखो पैसे ही चाहिए बस। एक बार पैसे आ जाए मेरे हाथ में सब कुछ खुद ही कर लूंगा। भाई मसरूफ थे आज तो मैंने सोचा कि मैं पे कर लूं आपको। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद आ जाती या फिर भाई ड्रॉप कर देते। नहीं इट्स ओके, भाई ने जब कॉल की तो मैं आपके घर के पास ही था, मैंने सोचा मैं आपको पिक कर लेता हूँ और फिर कहीं पे अच्छी से जगह पे बैठ के आइसक्रीम भी खा लेंगे। क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं भाभी की, लगता है कोई खास काम है। खास नहीं बहुत खास। कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई मेरी शादी में? वाह भाभी आप तो बड़ी तेज हैं। ऐसी वैसी एक नजर देखने से इंसान के अंदर का पूरा हाल जान जाती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट वो साफ साफ आपके दिल का हाथ बता रही है। चलो अब जल्दी से बताओ कौन है वो, कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? मिलवाना तो आपने है मुझे उससे। किसकी बात कर रहे हो तुम? उजाला। क्या तुम उस उजाला को पसंद करते हो?
जी भाभी सिर्फ पसंद ही नहीं करता, मोहब्बत करने लगा उससे, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कब, मतलब कैसे, कब मिले तुम उससे, कब तुम्हारी बात हुई, कब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको तो बल्कि पता भी नहीं होगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगी ना? मैं किस सिलसिले में? उजाला से शादी के सिलसिले में, आपकी कजन है ना वो तो। आई एम सॉरी जुहेब, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों भाभी, उजाला आपकी कजन है और आप मेरी भाभी हैं तो। वो मेरी कोई कजन नहीं है, पहली बात तो ये बताया नहीं तुम्हें उस मिसनी ने? हाँ, कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो मम्मा के किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो मम्मा ने उसके सर पे हाथ रख दिया, लेकिन वो एहसान फरामोश, बेटी होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया उसने। क्या मतलब? बस रहने दो, इतना खुलकर नहीं बता सकती तुम्हें मैं। लेकिन क्यों? खत्म करो ना इस मौजू को, भूल जाओ उसको बोल रही हूँ। देखें भाभी, मैं चाहता हूँ उजाला को, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख के ऐसे महसूस हुआ कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने तसव्वुर किया था। तुम ना, तुम उसकी मासूम शक्ल पर मत जाना, और ये जो पहली नजर का प्यार होता है ये तो। भाभी आप खुल के बात करिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं किसी के किरदार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहती, और उजाला के तो बिल्कुल नहीं। साथ में पली बड़ी है, खेले हैं हम लोग साथ में, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो अच्छी लड़की नहीं है? भाई मैं कौन होती हूँ किसी के किरदार को अच्छाई या बुराई का सर्टिफिकेट देने वाली? भाई औकात ही क्या है, तुम्हारी फिक्र है इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ। भूल जाओ उस लड़की को, उसकी कुछ हरकतें हैं जिनकी वजह से उसे मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाती। भाभी आप जो मर्जी कहें, ये बातें तो मैं मान ही नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप वो एक यतीम और लावारिस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाएंगे? देखिए भाभी, यतीम होना कोई बुराई नहीं है, और आई एम श्योर मेरे घर वालों को पैसों की कमी नहीं है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मान लेते हैं तुम्हारे घर वालों को उसके यतीम होने से कोई मसला नहीं, और शायद वो उसे अपना भी लें। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले एक कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाएंगे? अभी बस करते हैं, बस करते हैं। किस तरह आप शरीफ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? शरीफ? और वो कभी मिले उससे, कभी बात की है, कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं ना, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बहुत ही पाकीजा किरदार की लड़की है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी इसीलिए समझा रही मतलब, क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हो जिसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, किसी और का ख्याल हो? मतलब हो सकता है तुम्हारे पैसे और स्टेटस को देखकर वो हाँ भी कर दे, लेकिन तो तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लोगे? जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो भी मुझे अजीज है, मैं उसकी इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, तुम मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी हो। तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं, मेरे भाई हो, इसीलिए समझा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आंटी से इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? उजाला से शादी के सिलसिले में। इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही? उसके किरदार के बारे में जानते हुए भी तुम अब भी उसे शादी करना चाहते हो? तुम्हें तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बातों पे? भाभी आप जब तक मुझसे खुल के बात नहीं करेंगी, मैं कैसे कोई बात समझ सकूंगा? ये बात मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकती जुहेब, मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वैसे भी चंद माह बाद उजाला की उस लड़की से शादी होने वाली है। क्या मतलब, किससे शादी हो जाएगी, कौन है वो लड़का? है एक लड़का, उजाला छुप छुप कर उसके घर उसे मिलने जाया करती थी, और तो और एक रात तो बख्तियार भाई ने रंगे हाथों दोनों को हमारे घर की छत से पकड़ा। वो लोग तो उजाला को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उन लोगों को रिश्ते के लिए बनाया, और बस चंदी मामे अब उन दोनों की शादी कर देंगे।
किरण तुम कैसी हो? इस वक्त कैसे आना हुआ? ये घर मेरा है, इस घर में आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, ऐसे वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल जवाब करने का। ये घर मेरा है, इस घर का किराया मेरे अकाउंट से जाता है और इस घर के अखराजात भी मेरे पैसों से चलते हैं। और तो और तुम्हारा बोझ भी मेरे सर के ऊपर धरा हुआ है। अलबत्ता मेरा हक जरूर बनता है कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। ये तुम इतना बन ठन के कहां जा रही हो? पास में कंप्यूटर सेंटर है, वहां से कंप्यूटर का कोर्स करें। कंप्यूटर कोर्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। सिर्फ 6 महीने की बात है और वैसे भी यहाँ से बहुत पास में। 6 महीने? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सारी जिंदगी तुम्हें हम इस महल में रखने वाले हैं? 2-3 महीने में ये घर फारिग करना है, उसके बाद वापस जाना है तुम्हें उसे अपनी झोंपड़ी में? कैसे आओगे इतनी दूर से? या तो फिर तुमने ये सोच रखा है कि तुमने सारी जिंदगी इस महल में गुजारनी है और बहुत जल्द मेरी तरह किसी अमीरजादे से शादी कर लोगे? हाँ, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं और ना ही मुझे प्राय महल में रहने का कोई शौक है। मैं अपना मुकाम, अपनी हैसियत अच्छी तरह से जानती। यहाँ मैं सिर्फ बीजान की वजह से आई थी, तुम्हारे झूठ का हिस्सा बनने नहीं। जो मुंह में आता है बोलती हूँ। बहुत लंबी जुबान है इसकी, अभी जाके पूछती हूँ। अम्मा, 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 पूल के पास। खैर, वो घर के मुलाजिम हैं, उनको फौरन चलता कर सबको छुट्टी दे, अभी और इसी वक्त। ये कैसे चलता करूं, कैसे छुट्टी दूं उनको? क्या हो गया, क्यों चला रही है मुलाजमों पे, क्या किया उन्होंने? और तूने खुद ही तो कहा था इनको एडवांस तनख्वाह दी हुई है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? पैसे तो पूरे करेंगे ना। मैंने ये नौकर तेरी बहू और उसकी बहन की अयाशियों के लिए नहीं रखे थे, मेरे लिए रखे थे ना। चल, मेरी जरूरत पूरी होगी, अब उन्हें चलता कर, निकाल दे सबको अभी और इसी वक्त। कैसे निकाल दूं, इतना बड़ा घर है, महल जैसा, मैं सफाई खुद करूंगी क्या? पागल हो गई है। अच्छा, ये तेरी बहू, वो किस मर्ज की दवा है, इस बात का जवाब दे मुझे। और मुझे एक बात बता, ये उजाला को कंप्यूटर कोर्स करने की किसने इजाजत दी? और तो और उसके पास पैसे कहाँ से आए? उसको इजाजत मैंने नहीं दी और ना उसने मुझसे पूछा है, उसने बख्तियार से पूछा और बख्तियार ने उसको इजाजत दी जाने। अच्छा भाई, बड़ी बात है, जैसे तू मर गई है अब सारे फैसले बख्तियार भाई करेगा इस घर के। तेरा इस घर में कोई रोब है भी या नहीं? मुझे ये बता, ये भाभी कहाँ है? बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने गई है, रास्ते से बख्तियार को भी ले लेगी। नए स्कूल में? क्या मतलब है? मतलब भाई की, भाभी की कोई करोड़ों की लॉटरी निकली है जो नए स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाने लगे? ये क्या हो गया तुम्हें? बच्चे कल को पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ कर लेंगे ना। पढ़ने लिखने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है और भाभी और भाई के पास तो इतना पैसा है नहीं। कौन सी लॉटरी निकली है जो बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करने चले? पैसे दिए थे काम के लिए और लगे हुए उनपे अयाशियां करने के लिए। तू फोन कर अभी, अभी मना कर और उस औरत को घर वापस बुला। अच्छा, इधर बैठ जा। क्या हुआ है? जरबाब ने कुछ कहा है या ससुराल वालों से लड़ाई हुई? जरबाब की इतनी मजाल नहीं कि मेरे सामने कुछ कह सके। और रही ससुराल वालों की बात, मेरी पीठ पीछे लाख बुराइयां करते हैं लेकिन मेरे मुंह पर बात करने की जरूरत नहीं है उनकी। पर ऐसा क्या हुआ है जो इतना गरज चमक रही है? इतनी बड़ी खबर है ना मेरे पास, अगर तू सुनेगी ना तू भी गुस्से से फट जाएगी। तू सारी बातें छोड़, सबसे पहले तू उस उजाला की शादी कर, उसे चलता कर इस घर से। उजाला की शादी कहाँ करवा दूं मैं, किससे करवा दूं? किसी से भी करवा दे, किसी फकीर से, किसी भिखारी से। मैं तो कहती हूँ उस रिजवान से करवा दे, वो फौरन मान भी जाएंगे रिश्ते के लिए, बस उसकी शादी कर दे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया, वो मेरा देवर है ना जुहेब, उसने मेरे मुंह पर आकर मुझे ये कह दिया है कि वो उजाला को पसंद करता और उससे शादी करना चाहता है। क्या? अब तू बता, ये बात है परेशानी की कि नहीं? उस वक्त से दिमाग फटे जा रहे हैं मेरा सोच सोच के। ये सब हुआ है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इस टेढ़े मुंह वाली ने तुम्हारे देवर से इश्क मशूकियां लड़ा दी और बात यहाँ तक आन पहुंची। जी, और तेरी नाक के नीचे। मेरा नाम भी नुसरत आ रहा है, देखती हूँ मैं। क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हो
जिसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, किसी और का ख्याल हो, मतलब हो सकता है तुम्हारे पैसे और स्टेटस को देखकर वो हाँ भी कर दे, लेकिन तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लोगे? अगर जुहेब को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया और उसने उसने उजाला से शादी कर ली तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी इस घर में? जुहेब तो जरबाब से भी अच्छा है, उजाला तो बेगम साहिबा बन जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उजाला की शादी कहीं और जल्द से जल्द करवानी होगी। अच्छी तस्वीर आई है अम्मी, ये तस्वीर कितनी प्यारी है, इसे इलाज करवा लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ये फोटोग्राफर बहुत एक्सेप्शनल है। पता है, एक फैशन मैगजीन में मैंने इसका ब्राइडल शूट देखा था, उसके बाद मैंने कहा था ये भाई की शादी में यही फोटोग्राफर आएगा। इतनी अच्छी फोटोग्राफी की है इसने। किरण को दिखाई एल्बम? अभी नहीं दिखाई, वो घर पे ही नहीं है, मैं के गई हूँ सुबह से। भाई आएंगे ऑफिस से तो ले आएंगे। अम्मी अभी परसों तो गई थी, फिर चली गई। बेटा ये तो उसका रोज का मामूल बन गया है, सुबह उठती है, नाश्ता करती है और अपने मैके चली जाती है। कोई रोक टोक तो है नहीं इस घर में उस पर, वापसी पे जरबाब ऑफिस से लेता हुआ आ जाता है उसको बस। ऐसे आप भी तो हर दूसरे दिन हमारे पास आ जाते हैं, भाभी के जाने पे आपको बड़ा एतराज है, क्यों? तुम बहुत हिमायत कर रही हो उसकी, क्या हो गया नवी? ज्यादा चमची बनने की जरूरत नहीं किरण की। और तुम्हें अगर मेरा यहाँ रोज रोज आना बुरा लग रहा है तो मैं कल से नहीं आऊंगी। क्या हो गया है, मजाक कर रही है वो, तुम तो सीरियस ही हो गई। अम्मी ये मजाक है, भाभी की हिमायत में बहन से उलझ रही है ये। क्या हो गया अभी, मैं वाकई मजाक कर रही थी आपसे। मुझे क्या जरूरत है भाभी की चमची बनने का या उनकी हिमायती बनने का, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर में सुकून रहे। अरे भाई अगर वो मैके जाना चाहती हैं तो जाएं, जैसे जीना चाहती हैं जी, इसमें क्या मसला है? अच्छा अब तुम चुप रहो, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। भी मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। ज्यादा अम्मा भी बनने की कोशिश मत कर, हमें नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। अम्मी मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि आपसे जुहेब और नवीन के रिश्ते की बात कर सकूं। जुहेब के लिए मैंने 2-4 लड़कियां देखी हैं और नवीन के लिए भी मैंने मैरिज ब्यूरो में बात की है। समझे, जुहेब की इतनी फिक्र नहीं है जितनी नवीन की है, बस मैं चाहती हूँ कि नवीन के लिए ना एक पढ़ा लिखा अच्छा खानदान मिल जाए। अम्मी हो जाएगा, फिक्र नहीं कर रहे, मेरी शादी भी तो हो ही गई थी ना आसानी से। इस वक्त आप सिर्फ जुहेब की फिक्र करें, उसके लिए मैंने 2-4 लड़कियां देखी हैं, आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। जुहेब मुझसे किसी लड़की का जिक्र कर रहा था, शायद उसने जरबाब की शादी में उससे देखा था। मैं जानती हूँ किसकी बात कर रहा होगा वो। अच्छा तुम जानती हो कौन है वो? किरण की कजन उजाला। तुम्हें कैसे पता? अम्मी मुझे अच्छी तरह से पता है, उसने शादी में अच्छी तरह से डोरे डाले जुहेब पर। नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता, एक एक बहू उस घर से आ गई है और उसी को भुगत रही हूँ मैं, और दूसरी बहू भी मैं उसी घर से ले आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। भी आप भी जानती हैं जुहेब जिद का कितना पक्का है, एक बार किसी बात का ठान लेना दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हटा सकती। नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा।
हो ही नहीं सकता। कब तक मुझसे भागती रहोगी यू? अभी भी वक्त है, मेरी मोहब्बत के सामने सरेंडर कर दे, वरना बहुत पछताएगी तू। मुझे मजबूर मत कर गलत रास्ता अख्तियार करने पर, बहुत तकलीफ होगी तेरे को। तुमने मुझे जितनी धमकियां देनी है ना, दे लो। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम ये जो मेरा पीछा करते हो ना, करते रहो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। बड़ी बहादुर हो गई हो जब से इस घर में शिफ्ट हुई हो। बड़ा खूबसूरत बंगला है, किसने दिया, किसका है बता। हेलो उजाला, मेरे सवालात के जवाब देती जाओ। बड़ी बहादुर हो गई हो, बड़ा खूबसूरत बंगला ले लिया, पता नहीं कहां से आ गया पैसा इसके पास। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं कंप्यूटर कोर्स करने गई थी। बीए करके तुमने कौन सा तीर मार लिया है? जब कंप्यूटर कोर्स करके तीर मार रहे तुमने? इजाजत किसने दी जाने की? मैं भाई और आपी को बताकर गई थी। तुम्हारी अपिया कौन होती है तुम्हें इजाजत देने वाली? ये घर मेरा है, तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी ना। कल से तुम कहीं नहीं जाओगी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।